राधे कृष्ण दोस्तों, नारायण नारायण। लक्ष्मी पूजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है, हम लोग वर्ष में एक ही तो, ये हमारा इतना बड़ा त्योहार है, इसको हमें पूरे सुख शांति खुशियों से सेलिब्रेट करना चाहिए, तभी तो लक्ष्मी जी पधारती हैं। और आप तो सब जानते ही हैं दोस्तों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बिना लक्ष्मी जी के हमारे घर का कोई काम नहीं चल सकता। लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जनरली आप लोग धनतेरस या दीपावली, ये 2 दिनों के लिए ही सुनते हैं क्या करें क्या ना करें, धनतेरस पे क्या खरीदना चाहिए, दीपावली पे कैसे पूजन करना चाहिए। दोस्तों मैं आज आपको बताती हूँ रूप चौदस, यानी कि धनतेरस और दीपावली के बीच में जो डेट डे आता है रूप चौदस। कई लोग इसको नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं, तो मैं तो रूप चौदस बोलूंगी। तो रूप चौदस के दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मैं बताती हूँ। क्या है दोस्तों रूप चौदस, जैसा कि मैं इसका नाम बता रही हूँ, यदि रूप चौदस के दिन सूर्योदय से पूर्व हम उठकर और हम स्नान करते हैं, स्नान करने के लिए जो हम पट्टा लेते हैं या स्टूल लेते हैं उसके नीचे हमें एक छोटा सा सरसों के तेल का दिया जला लेना चाहिए, और उबटन लेकर अपने आप को अच्छे से रगड़कर साफ कीजिए और नहा लीजिए। एक तो इसका नाम जो मैं रूप चौदस बोल रही हूँ वो सफल हो जाएगा, और दूसरा ये होगा दोस्तों, यदि हम इस तरीके से करते हैं तो नरक में जाने से बच जाते हैं। मैंने बचपन से ऐसा ही किया, मेरे पापा ने मुझसे कहा था ऐसे किया करो और मैंने किया। स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको क्या करना चाहिए कि रूप चौदस वाले दिन जब आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं तो आपको ये करना चाहिए कि लाल चंदन, लाल गुलाब के फूल, रोली का पैकेट, इन तीनों चीजों को एक लाल कपड़े में रखिए, उनकी पूजा कीजिए और फिर उनको ले जाकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए, और आपको घर में लक्ष्मी जी की कभी भी कोई भी कमी नहीं होगी। दोस्तों रूप चौदस या नरक चतुर्दशी के दिन यदि हम वामन भगवान और राजा बलि का ध्यान करते हैं तो भी लक्ष्मी जी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। आप सब शायद जानते ही होंगे कि वामन अवतार नारायण ने लिया था और नारायण लक्ष्मी जी के पति हैं, तो यदि हम उनकी आराधना पूजन करते हैं तो लक्ष्मी जी तो प्रसन्न होंगी ही। दोस्तों आज नरक चतुर्दशी या रूप चौदस के दिन यदि हम चाहते हैं हमारे घर में अकाल मृत्यु ना हो, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। आपको क्या करना है कि 2 चौमुखे दीपक लेने हैं और उनको शाम के समय घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर लगाना है। दीपक में सरसों का तेल हो और 4 रुई की बत्तियां हो, तो उनको जलाकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ रखना है, और यमराज का ध्यान करते हुए आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ कर लीजिए और यमराज को ध्यान कीजिए और दीपदान कीजिए। इस तरीके से वो दीपक आप जलाकर अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ रख दीजिए। यदि आप विश्वास के साथ ऐसा करते हैं तो घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। राधे कृष्ण दोस्तों, सी यू सून, विश यू वेरी हैप्पी 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 दीपावली, बाय।